आप सभी ने कुछ फिल्में जरूर देखी होंगी, जैसे कि दिल, बेटा, राजा, इश्क, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, धमाल, टोटल धमाल और डबल धमाल। ये सभी फिल्में डायरेक्टर इंद्र कुमार जी द्वारा बनाई गई हैं, जो कि हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही है। आज हम इन सब फिल्मों और बाकी सब फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टारकास्ट और वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टर इंद्र कुमार जी के डायरेक्शन में बनने वाली सबसे पहली मूवी का नाम था दिल, जो कि साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के लीड रोल में आमिर खान और माधुरी दीक्षित थे। इस मूवी को केवल 2 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 7 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 17 करोड़ की और इंद्र कुमार जी की सबसे पहली मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। मूवी का नाम था बेटा, जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के लीड रोल में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित थे। मूवी को 4 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 13 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 24 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 1995 में इंद्र कुमार जी की मूवी आई थी राजा। इस मूवी के लीड रोल में संजय कपूर और माधुरी दीक्षित थे। मूवी को 5 करोड़ के बजट में बनाया गया था, भारत में कमाई की थी 21 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 35 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इस तरह से इंद्र कुमार जी की लगातार 3 मूवी ब्लॉकबस्टर रही, दिल, बेटा और राजा। साल 1997 में इंद्र कुमार जी की मूवी आई थी इश्क। इस मूवी में आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 25 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 46 करोड़ की। यह मूवी दर्शकों को काफी पसंद आई थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। साल 1999 में इंद्र कुमार जी की मूवी आई थी मन। इस मूवी में आमिर खान और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 14 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 17 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 36 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था आशिक, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी में बॉबी देओल और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी का बजट 9 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 11 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 19 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। साल 2002 में इनकी मूवी आई थी रिश्ते। मूवी में अनिल कपूर, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 6 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 13 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था मस्ती, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवदासानी लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 12 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 21 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 35 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। साल 2006 में इनकी मूवी आई थी प्यारे मोहन। इस मूवी में फरदीन खान और विवेक ओबराय लीड रोल में थे। मूवी का बजट 13 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 19 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2007 में इनकी मूवी आई थी धमाल। इस मूवी में संजय दत्त, रितेश देशमुख और अर्शद वारसी लीड रोल में थे। इस मूवी को 19 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 33 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 51 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था डबल धमाल, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रितेश देशमुख, संजय दत्त और जावेद जाफरी लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 29 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 45 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 70 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था ग्रैंड मस्ती, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के लीड रोल में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवदासानी थे। मूवी का बजट 34 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 92 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 131 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। साल 2014 में इंद्र कुमार जी की मूवी आई थी सुपर नानी। मूवी का बजट 18 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 3 करोड़ 43 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 4 करोड़ 41 लाख की और यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2016 में इंद्र जी की मूवी आई थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवदासानी थे। मूवी का बजट 35 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 15 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 21 करोड़ की और यह मूवी डिजास्टर रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था टोटल धमाल, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के लीड रोल में अजय देवगन, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित थे। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 124 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 163 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इंद्र कुमार जी की अगली मूवी का नाम था थैंक गॉड। इस मूवी में अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में थे। इस मूवी ने भारत में 34 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 48 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
तो ये थी इंदर कुमार जी के डायरेक्शन में बनने वाली अब तक की सभी फिल्में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, और यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक, किस सेलिब्रिटी या फिर किस जोड़ी के ऊपर चाहिए। और यह वीडियो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।